हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए, हम हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों यहाँ पे जो है अभी फिलहाल में कोई अपडेट यहाँ पे जो है ऑफिशियल देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बना रहे कि एग्जाम डेट कब होगा कब होगा, किसी तरह के यहाँ पर कोई अपडेट नहीं। आप यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी जाइएगा तो देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड में भी जाइए तो भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट न्यूज़ में भी जाइएगा तो भी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है नोटिस निकाले हैं कि जो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे GM HR का जो पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं HR एडमिन का पोस्ट जो है, ये पोस्ट ही खाली है, ये पोस्ट खाली है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग का जो रिक्रूटमेंट है ये आप लोग का जो है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी जो है 24 सितंबर का इनका जो है दोस्तों आप लोग का इंटरव्यू है, उसके बाद इनको जो है यहाँ पे एक इनको जो है यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्क इंटरव्यू के थ्रू इनका जो है सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 24 अक्टूबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे तो 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच दोस्तों ये जो है रिक्रूटमेंट के ही बारे में, जो क्योंकि कोई भी पद अपना ग्रहण करता है तो उसके बारे में सबसे पहले आता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना रोज़गार के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ जैसे ही इनको जो है HR डिप्टी मैनेजर यहाँ पे मिलेगा तो जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसीड को आगे करेंगे। तो अभी दोस्तों आप लोग को जो भी अपडेट मिल रहा है किसी के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से, फिलहाल में वो रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को डेविएट कर रहे हैं। एग्ज़ाम लेकिन दोस्तों आप लोग का अभी नहीं होगा, सेप्टेम्बर मंथ तो निकल गया है लगभग। दोस्तों यहाँ पर अगर 1 से 15 अक्टूबर के बीच होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके प्रति आप लोग को जो है यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आवाज़ उठाए थे, उसके बाद फॉर्म भरने को लेकर आवाज़ उठाए थे, तो हो सकता है मे बी आप लोग को यहाँ पे आवाज़ उठाना पड़ेगा एग्ज़ाम को भी लेकर, क्योंकि बिहार में कोई भी चीज़ जो है आप लोग का डायरेक्ट नहीं यहाँ पे होता है, सीधा आप लोग को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बारे में जो है प्रेरित किया जाता है। किसी तरह का सिस्टम ही यहाँ पर ख़राब है, सिस्टम अगर सही से चलेगा उसके बाद ही दोस्तों आप लोग का सही समय से एग्ज़ाम होगा। लिख गया 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक में ले लेना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि कोई चीज़ का एक निर्धारित समय रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और अवेयर कर देना चाहता हूँ, इस तरह का दोस्तों इंटरफेस आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, लगभग 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आप लोग को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। और जल्द ही यहाँ पे लिखा रहेगा दोस्तों कि क्लिक हेयर डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जल्द ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी दोस्तों जो भी चीज़ है आप लोग अपना पढ़ाई का कंटिन्यू रखिए, किसी भी तरह का जो है अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे चीज़ बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे तैयारी करना है। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।